सवाल ये है कि अगर आप हिंदू हैं तो ये आपकी अच्छाई नहीं है, आप अपने सामने वालों से देखो उससे कोई कमी नहीं है। हम क्यों बाहर की मुद्दे पे लड़ते हैं हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, हमारे पास देश में और भी मुद्दे हैं। मैं भी हिंदू हूँ, मुझे इस बात का बहुत फख्र है कि मैं हिंदू हूँ, पर एट द सेम टाइम मुझे शर्म आती है कि उसको हिंदू बताते हैं, और ऐसा क्यों? हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो गाइस, आज का थंबनेल देख के आप लोग समझ गए होंगे किसके रिगार्डिंग मैंने आज ये वीडियो बनाया। बहुत ही शर्म की बात है कि बैन हुआ भी तो क्या, हिजाब, मतलब कि एक मुस्लिम लड़की, ठीक है, हर कोई नहीं पहनता है, लेकिन कुछ फैमिली में ऐसा है कि हिजाब बहुत ही मायने रखते, खास करके मुस्लिम फैमिली में। तो गवर्नमेंट ने बैन भी किया तो क्या, हिजाब, मतलब कि मुझे जब से मैंने ये न्यूज देखा ना, मुझे हंसी भी आ रही है और मुझे गुस्सा भी आ रहा है कि बैन किया तो क्या, मतलब हिजाब। अरे बैन करना है तो वो करो ना, जो खुलेआम शराब बिक रहे वो बैन करो, खुलेआम लड़कियों का इज्जत लूटा जा रहा है, उन दरिद्रों को पकड़ के फांसी पे लटकाओ, ये सब नहीं हो रहा है। हाँ, खुलेआम किसी को मर्डर कर देना, खुलेआम किसी का बलात्कार हो जाना, खुलेआम कुछ भी हो जाता है, उन सब में कोई आवाज नहीं उठा रहा है। अभी मुस्कान नाम की लड़की जिसको कॉलेज में, हाँ, हिंदू लड़के वो ऑरेंज कलर का गमछा वगैरह गले में डाल के वो जो कॉलेज में जा रही थी उसको सबने घेर कर हिजाब उतारो तब तुम कॉलेज में जा पाओगी, नहीं तो तुम अगर हिजाब पहनने का तुम्हें इतना ही शौक है तो तुम अपने घर चली जाओ। क्यों जाए भाई वो घर अपनी, वो एक मुस्लिम लड़की है, हिजाब गर्ल के नाम से उसको हर कोई जानता है, कर्नाटका की रहने वाली है। हाँ, तुम लोगों ने उसे रोका कैसे कि मतलब हिजाब पहन को अंदर नहीं जा सकती है? और हमारी गवर्नमेंट को हो क्या गया है? कर्नाटका में बैन हुआ तो क्या हुआ, हिजाब महाराष्ट्र में, मतलब कितनी शर्म की बात है। जो जरूरी है बैन करना शराब, वो आप लोगों से हो नहीं रहा, और किया भी तो क्या, एक लड़की जो हिजाब पहनती है, जिनकी फैमिली में सिखाया जाता है कि मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहनेगी, मैं मानती हूँ हर लड़की नहीं पहनती लेकिन कुछ तो पहनती है। अगर मान लो लड़की वो छोटे कपड़े पहन के जा रही है तो आप लोग ही हो ना ये कहते हो कि लड़की ने छोटे कपड़े पहने थे, जींस पहने थे, साड़ी पहने थे, कमर दिखा रही थी, इसलिए उसका रेप हो गया। अगर वो शॉर्ट ड्रेस नहीं पहनती, अगर वो छोटे छोटे कपड़े नहीं पहनती तो उसके साथ रेप नहीं होता। हाँ, अब हिजाब में भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, शर्म आना चाहिए आप लोगों को। क्या क्या करते हो यार, क्या क्या करते हो, बैन भी करना है तो हिजाब, क्या नॉनसेंस है ये सब। मतलब हद होती है, एक चीज की हद होती है, लेकिन हमारे भारत में एक चीज है जिसकी लिमिट खत्म नहीं हो रही, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई। मैं एक मुसलमान लड़की हूँ, रेशमा खातून मेरा नाम है, मुझ पे एसिड अटैक 7 साल पहले हुआ, किया भी तो किसने, एक हिंदू लड़के ने जो इंडियन आर्मी का था। क्यों? क्योंकि भाई उसको मुझसे शादी करना था, मैंने नहीं किया तो उसने मेरे फेस पे तेजाब डाल दिया, मेरी नहीं तो किसी की नहीं, लड़के किसकी बाप की जागीर है? हाँ, फिर लोग क्या कहने लगे, उस पे तेजाब ऐसे थोड़ी ना डाल दिया किसी ने, जरूर वो उसको कुछ की होगी, शॉर्ट शॉर्ट ड्रेस पहन के उसको रिझा रही होगी तब उसके ऊपर उसने तेजाब डाल दिया, ऐसे किसे लड़के डाल देंगे। हाँ, मतलब छोटे कपड़े पहनो तो प्रॉब्लम, शॉर्ट पहनो तो बहुत प्रॉब्लम, हिजाब पहनो तो भी प्रॉब्लम, क्या करे लड़कियां? हाँ, क्या करे लड़कियां? आखिर साड़ी नहीं पहन सकती, कमर दिखता है, शॉर्ट नहीं पहन सकती, लड़के रिस जाते, छोटे कपड़े पहनो तो लड़कों को इनविटेशन मिल जाता है कि लड़कियां आके, लड़कियां छोटे कपड़े पहन के लड़के को इनविटेशन दे रही है कि आओ भाई आके मुझे छेड़ो, है ना। अब हिजाब पहन रही है जिसमें सिर्फ 2 आंखें दिखती है, 1 उंगली तक नहीं दिखती, उसमें भी प्रॉब्लम, अब उसको भी बैन कर दिया गया, अब हिजाब पहन के कॉलेज नहीं जा सकते, हिजाब पहन के घर से नहीं निकल सकते, ये किस चीज, ये क्या बैन किया आप लोगों ने, क्या बैन किया ये, क्या करे लड़कियां, कहां जाए, कहां जाके मरे। हाँ, वो दिन दूर नहीं जिसके घर में बेटी पैदा हो और उसको गला दबा के उसी टाइम मार दिया जाए, क्योंकि क्यों, अरे भाई अगर मेरी बेटी हुई है कल उसके साथ रेप ना हो जाए, कल उसको दहेज की वजह से जला के ना मार दिया जाए। हाँ, कल वो हिजाब अगर छुपा के अपने चेहरे घूमे तो भी वो तो सरकार ने बैन कर दिया है, तो क्या करे लड़कियां, क्या करे लड़कियां, हाँ क्या करे लड़कियां,
मुझे समझ ही नहीं आती, लेकिन सल्यूट है मुझे उस बहन का जो हिंदू होकर मुस्लिम के में खड़ी हुई है, और उसने साफ साफ वो कितने अच्छे से वो बोल रही है। इस वीडियो के बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि एक मुस्लिम लड़की हिंदू लड़की में क्या फर्क है। मुस्लिम है तो क्या उनको दो सिंह है? हिंदू है तो उनको चार सिंह है? तुम्हारी दो आंखें उनको भी दो आंखें, तुम्हारे खून लाल है तो हिंदुओं का पीला है क्या उनका भी लाल ही है? भाई भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे हिंदू मुस्लिम भाई भाई का नारा लगता है, लेकिन जो चुनाव आने से पहले हिंदू मुस्लिम का नारा लगना शुरू हो जाता है। चुनाव लड़ना है, लड़िए आप लोग, कौन रोक रहा है? अपने बलबूते पे लड़ो, ये सब मामलों में क्या लड़ते हो? हिंदू मुस्लिम हाँ, हिंदू करे राम राम, और क्या मुस्लिम अल्लाह हो पे नहीं बोल सकते? लड़के हिजाब पहन के नहीं निकल सकती है? हाँ, लड़के शॉर्ट नहीं पहन सकती, लड़के जींस नहीं पहन सकती, लड़के साड़ी नहीं पहन सकती, अब लड़के हिजाब भी नहीं पहन सकते जिसमें सिर्फ दो आंखें दिखती है, तो लड़कियां क्या करे? हाँ, घर से ना निकले, घर में घुट घुट के मर जाए? मुझे शर्म आती है कि मैं इस भारत की बेटी हूँ। मैंने आज तक ये नहीं देखा है कि हाँ, लड़कियों के मामले में कुछ अच्छा फैसला गवर्नमेंट की तरफ से आया हो। नहीं, एक तरफ नारा लगाया जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ उसी बेटी की इज्जत को रोन दिया जाता है। और भी क्या बोलूं, मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन हाँ, वो मुस्कान बहन जो हमारी, आपको सल्यूट है कि आपने इतनी भीड़ में भी आप नहीं डरे, आपने अपना हिजाब नहीं उतारा, आप ऐसे ही कॉलेज में गए। और मुझे सल्यूट है उन सरों का जो वहाँ के प्रिंसिपल है, वो सब आपको सपोर्ट कर रहे, थैंक यू सो मच आप लोगों को भी। और थैंक यू सो मच इस सिस्टर को जो हिंदू है लेकिन मुस्लिम के लिए खड़ी हो रही है। वो सिर्फ मुस्लिम के लिए खड़ी नहीं हो रही है, ये कोई भड़काऊ वीडियो भी नहीं बना रही। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ कि ये एक भारत ही ऐसा देश है जहाँ पे हिंदू मुस्लिम मिलके रहते हैं। हजारों मेरी दोस्त है हिंदू, ठीक है, जो हम मिलके रहते हैं, मिलके एक थाली में खाना खाते हैं। हाँ, ईद जब होती है तो सबसे पहले मेरी हिंदू दोस्त जो होती है वो आके मुझे ईद उद का मुझे ये बधाई देती है। मैं खुद मुस्लिम हूँ लेकिन मैंने शादी एक पंजाबी से किया है, मेरा पति, मेरा इतना कुछ होने के बाद भी मेरे हस्बैंड जो है मुझे इतना प्यार करते। हाँ, मैं एक मुस्लिम हूँ, वो एक हिंदू है, मेरी सास अपनी बेटी से ज्यादा मुझे प्यार करती है, क्योंकि हमारी फैमिली में हमें इतना पता है कि हम सब इंसान है। हिंदू मुस्लिम ये जितना जात धर्म ये हमने खुद ने बनाया है, ये ऊपर से बन के नहीं आया ना। हम जब पैदा होते तो हमारे स्टैम्प लगा रहता कि भाई तुम हिंदू हो या तुम मुस्लिम। अगर हम हिंदू के घर में पैदा हो गए तो हम हिंदू, अगर हम मुस्लिम के घर में पैदा हो गए तो हम मुस्लिम। मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के हर एक चीज में आवाज उठाती हूँ। मैं फिर से बोल रही हूँ कि ये सब नारा लगाना बंद कर दीजिए, हिंदू मुस्लिम का, ऐसा कुछ नहीं होता, हम सब एक है। अगर ऐसा ही रहा तो वो दिन दूर नहीं कि भारत में कोई नहीं बचेगा। हिंदू मुस्लिम की लड़ाई में सिर्फ इतना ही होगा कि खून बहेगा, आप वो हिंदू काटोगे हिंदू मुस्लिम को काटेगा, आप अपनी फैमिली को खोगे वो अपनी फैमिली को खोएगा, खून बहेगा, क्या मिल जाएगा? कुछ नहीं मिलेगा, कुछ हासिल नहीं होगा, सब अपना अपने को खो देंगे और कुछ नहीं रहेगा, एक चीज रहेगा जो पछतावा, जो जिंदगी भर पछताते रहेंगे। तो मेरे हाथ जोड़ के आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज हिंदू मुस्लिम का नारा छोड़ दीजिए, हम सब एक है, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं, सबका दिल में जो एक होता है कि हाँ हम भगवान को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, ये है, मैं अल्लाह भगवान सिख सबको मानती हूँ, सब एक है। अगर लगता है आप लोगों को हिंदू अलग है मुस्लिम अलग है, ये सबकी सोच होती है, जिस दिन हमारा सोच सुधर जाएगा उस दिन ये भारत सुधर जाएगा, इतना याद रखना बस। जय हिंद जय भारत। अगर लड़की हिजाब में चलती है तो आप लोगों को इस बात से क्यों तकलीफ है? क्यों तकलीफ है आपसे इस बात से? यार उन्हें सिखाया ही नहीं गया है, उनके घर में भी चीज बनाई गई है। अगर उस लड़की को हिजाब पहनने से दिक्कत नहीं है तो ये हिंदू वाले खुद को बताने वाले राम भक्त बोलने वाले, अरे तुम्हें किसने दिया है एक लड़की पर ये इस तरह से पूरी भीड़ इकट्ठा करके एक लड़की को डराने का? लड़की मैं भी नहीं हूँ वक्त के साथ उस लड़की होने का प्राउड करती हूँ कि उस लड़की ने इतनी भीड़ में जो साहस और हिम्मत दिखाई है,
सैल्यूट उस लड़की को यार। तुम हर लड़की के लिए इंस्पिरेशन हो जो लड़की सामने आने से बात करने से डरती है। अरे तुम खुद को रामभक्त बताते हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अरे काई के रामभक्त हो यार तुम, केवल रोड पर श्री राम के नारे लगाने से, हिंदू का के जाने से, मुस्लिम का के जाएंगे, राम नाम चलाएंगे के नारे लगाने से तुम हिंदू और रामभक्त हो जाओगे। सीरियसली, आर यू किडिंग? नो ब्रो नो, नहीं होने वाला है रामभक्त। कौन सा तुमने भगवत गीता पढ़ा है जहाँ ये बोला जाए कि दूसरे धर्म की महिलाओं को, दूसरे धर्म को नीचा दिखाओ और खुद को ऊपर ले जाओ? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें शायद यही सिखाया होगा कि अपना धर्म अपना है और दूसरों का धर्म नीचा है, यही सिखाया है तुम्हें? सवाल सरकार ने महात्मा को बार बार चुनाव से पहले हिंदू मुस्लिम कर दी है। अरे क्यों भाई, रोजगार के पुत्र का मार के लड़ा ना था? क्यों गाते हो सिंगलिज्म का नारा, क्यों लगाते हो सिंगलिज्म का नारा जब तुम्हारे देश